मां गणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का शीर्षक बताऊँ या थंबनेल बताऊँ उससे पूर्व निवेदन करूँ कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाकर के अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों अभी मैं जो बात आपसे करूंगा वो चंद्र राशि पे आधारित है। आप चंद्र राशि से देखें या लग्न राशि से भी देख सकते हैं और दोनों में से कुछ नहीं पता हो तो फिर आप फिर नाम राशि से देख सकते हैं। नाम राशि से 20-25% तो सही बैठ ही जाएगा। और आपको अपने जातक को अपने विशेष अपने खास दिखवाना है तो भाई अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए, उसके बाद फिर आप देखिएगा गोचर वाली को भी। पहले जन्म कुंडली को पता हो कि आपके कौन ग्रह अच्छे हैं कौन ग्रह बुरे हैं। अच्छा और देखिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए 2-4 मिनट इसको देखने में, स्किप कर करके देखते हैं तो वो फिर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ समझ में नहीं आता है। आप आराम से देखें थोड़ा टाइम 5-7 मिनट निकालें और पूरा पढ़ देखें इसको तो आपको लाभ होगा, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आप स्किप करते जाते हैं 1-1, 2-2 सेकंड देख करके तो उसमें कुछ नहीं मिलता आपको, फिर आप कमेंट में गलत सलाह देखते हैं। भाई अब देखिए मेरे बताऊँ आपको क्या मेरा टॉपिक क्या है इस वार्ता का। देखिए राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में, काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव है या मेष राशि के भी 12वें भाव है और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र की जो है उच्च की राशि है मीन राशि। शुक्र घूमते घूमते भ्रमण करते करते देखिए 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, या इफेक्टिवली मान लीजिए 1 अप्रैल से 24 अप्रैल कह दीजिए तो 31 को जाएंगे सेटल होंगे तो हम 1 अप्रैल लगा लेते हैं, यानी अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक तो शुक्र जो है अपनी मीन राशि उच्च की राशि में रहेंगे, काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में जहाँ राहु बैठे हुए हैं। देखिए राहु जो है दैत्य सेनापति है, शुक्र जो है दैत्य गुरु हैं, तो दैत्य गुरु का दैत्य के सेनापति के साथ बहुत अच्छा संबंध है। राहु जो है शुक्र का अब गुरु हैं तो सब बात मानते हैं और राहु वैसे कोतवाल साहब हैं या दरोगा जी हैं यानी दंडाधिकारी, दंड के देखिए न्यायाधीश तो शनि है और इस समय शनि से आगे बैठे हुए हैं। मेष राशि की कुंडली में शनि जो है 11वें भाव में, राहु 12वें में अगली राशि में, तो न्यायाधीश पीछे बैठे हुए हैं, दंडाधिकारी आगे हैं आपको दंड देने के तैयार। जो कर्माधिपति शनि जो भी आदेश देंगे उसका पालन राहु करेंगे। राहु के पास इस समय उनके मित्र शुक्र पहुंच रहे हैं क्योंकि दैत्य गुरु हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं। शुक्र राहु की बात मानते हैं, राहु शुक्र की बात मानते हैं, तो 31 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक का टाइम शुक्र का राहु का मीन राशि में बहुत धमाल मचाएगा और देखिए बहुत कमाल होगा। कुछ राशियों के लिए बहुत धूमधाम बहुत तगड़ा कमाल होने वाला है, माला माल हो रही हैं कुछ राशियां। तो मैं सब राशि की चर्चा नहीं करूंगा, अभी आपको बताऊंगा वो राशियां जो कि राशि यानी शुक्र के और राहु के इसी से यानी मीन राशि में साथ साथ बैठने से कमाल का हो रहा है, जिनका राहु के शुक्र के धमाल से राशियां मचा रही हैं कमाल, वो कौन राशि है उनकी चर्चा मैं करने आया हूँ। देखिए आप धन भाव के स्वामी काल पुरुष की कुंडली के धन भाव के स्वामी शुक्र
और राहु तो शनि की तरह काम करते हैं, केतु मंगल की तरह काम करते हैं। तो राहु के पास शुक्र बैठे हैं, दो मित्र मीन राशि में। तो अब देखिए खराब खराब राशियों को मैं चर्चा नहीं करता हूँ, क्यों फिर वीडियो बड़ा हो जाता है, अच्छी राशियों की बात करता हूँ। तो पहली अच्छी राशि है देखिए वृषभ। तो वृषभ राशि खुद शुक्र की राशि है और शुक्र राहु के पास आ गए, बारहवें भाव में उच्च के होकर के। तो वृषभ राशि को तो शुक्र और राहु बैठेंगे ग्यारहवें भाव में, ग्यारहवें भाव लाभ का भाव है, लाभ का मतलब धन होता है। तो शुक्र राशि को बहुत विशेष लाभ मिल रहा है, शुक्र राशि के जातकों को बहुत धन मिलेगा, राहु से धन मिलेगा, शुक्र से धन मिलेगा। तो ग्यारहवें भाव में बैठ करके दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, पराक्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, यात्राएं करेंगे तो लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, दोस्तों से सपोर्ट मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में पड़ोसियों के उसे भी आदर सम्मान मिलेगा। और पंचम में दृष्टि पड़ेगी तो संतान को बड़ा विशेष लाभ मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह में संतान है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो विशेष लाभ पाएगी। और देखिए सातवें भाव में दृष्टि पड़ेगी यानी व्यापार की तरक्की मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में बड़ा मधुर माधुरता आएगी। तो वृषभ राशि के लिए मैं समझ रहा हूँ कि राहु का शुक्र की युति जो है मीन राशि में बहुत ज़्यादा लाभदायक है भाई। तो ये राशि तो बहुत ही अच्छा लाभ पा रही है। और वृषभ राशि के बाद देखिए मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए दसवें भाव में यानी कार्य क्षेत्र में बैठ गए राहु और शुक्र दोनों मिल करके हैंड टू हैंड शेक करके मित्र, दसवें भाव में बैठ करके व्यापार में तरक्की, कार्य क्षेत्र में यानी जो भी नौकरी करते हैं उसमें तरक्की, सरकारी नौकरी है तो उसमें भयंकर तरक्की, सरकारी काम करते हैं कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का उसमें तरक्की। क्योंकि दसवें भाव में बैठ करके जो है मिथुन राशि के लिए दूसरे में चौथे में छठे में दृष्टि पड़ेगी। तो दूसरा भाव धन का भाव है, धन के स्वामी शुक्र राहु से मिलकर दोनों ही धन देंगे, यानी मिथुन राशि को भी अपार धन मिलेगा, कार्य क्षेत्र से धन मिलेगा। और चौथे भाव में सुख भाव में दृष्टि पड़ेगी तो सुख साधनों का विकास होगा, कोई कमी नहीं रहेगी सुख साधनों की। और देखिए छठे भाव में दृष्टि पड़ेगी अगर तो शत्रुहंता योग बनेगा, शत्रु भाग जाएंगे, शत्रु परेशान नहीं करेंगे, कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलेगी और कहीं धन आपका फंसा हुआ है वापस आ जाएगा, कहीं धन आपने दिया हुआ है फंसा हुआ है, लोन दिया हुआ है वो लौट के आ जाएगा और आपको धन की ज़रूरत है तो आपको धन मिल जाएगा। तो देखिए वृषभ के बाद मिथुन हो गई और मिथुन के बाद जो अगली राशि है जिसको कि मैं समझता हूँ अच्छी राशि है, अच्छा लाभ पा रही है। देखिए वृषभ राशि में तो ग्यारहवें लाभ भाव में थे राहु और शुक्र, मिथुन राशि में दसवें भाव में यानी केंद्र भाव में, तो केंद्र भाव में शुक्र के आ गए मीन राशि में उच्च के होकर के, तो मालव्य राजयोग बन गया। तो इसलिए जो है मिथुन राशि के लिए तो विशेष लाभ हो गया, मालव्य राजयोग बन जाने से बहुत धन मिलेगा। और कर्क राशि में देखिए भाग्य भाव में बैठेंगे राहु और शुक्र, तो कर्क राशि के भाग्य वर्धन करेंगे, भाग्य वर्धन होगा तो स्वतः ही सारे काम हल हो जाएंगे, पैसा ही पैसा आएगा। और भाग्य भाव में बैठ करके देखिए लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो जातक का शरीर बहुत सुंदर होगा, बड़ा एक्टिव होगा, निरोगी काया होगी। तीसरे पर दृष्टि पड़ेगी तो बहुत परिश्रम कराएंगे, जितना परिश्रम कराएंगे उतना ही शरीर में निखार आएगा, छोटी मोटी यात्रा करेंगे लाभकारी होंगी। पंचम पर दृष्टि पड़ेगी तो संतान को लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। तो देखिए कर्क राशि के लिए हो गया यानी वृषभ मिथुन कर्क तीन राशियां हो गई। चौथी राशि देखिए मैं समझता हूँ कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सातवें भाव में शुक्र और राहु बैठेंगे, सातवें भाव मूल त्रिकोण, सातवां भाव काल पुरुष की कुंडली का शुक्र का भाव होता है, तो शुक्र सातवें भाव में आ गए और दृष्टि पड़ेगी ग्यारहवें में, पहले में और तीसरे में। तो लाभ भाव में लग्न में और तीसरे में, लाभ भाव से लाभ ही लाभ, धनी धन, लग्न में जातक का शरीर बहुत सुंदर,
पर्सनैलिटी बहुत गजब की। और देखिए तीसरे भाव में पराक्रम, परिश्रम कराएंगे, यात्रा कराएंगे, छोटी मोटी उससे लाभ मिलेगा। तो कन्या राशि के लिए सातवें में यहाँ भी मालव्य राजयोग बनना है, केंद्र में आ गए। तो मालव्य राजयोग बन गया तो बड़ा धन मिल जाएगा। और ग्यारहवें भाव से यानी लाभ भाव से धन मिलेगा। और लग्न प्रदर्शी है तो जातक का शरीर भी अच्छा होगा, निरोगी काया, हृष्ट पुष्ट, बड़ा शानदार। अब देखिए कन्या राशि के बाद जो अगली राशि आ रही है जो कि बहुत लाभकारी है, बहुत अच्छा धन, वो राशि है देखिए धनु। धनु राशि के लिए यह योग बन रहा है चौथे भाव में। तो चौथा भाव भी केंद्र का भाव है, तो चौथे भाव में ही मालव्य राजयोग बन जाएगा। और मालव्य राजयोग बनने से धनु राशि में भी शुक्र और राहु बहुत विशेष कृपा करेंगे और दृष्टि पड़ेगी आठवें पर, दसवें पर और बारहवें पर। तो भाई देखिए दसवें पर पड़ेगी दृष्टि तो बहुत ज़बरदस्त कार्य क्षेत्र में, सरकारी काम में, सरकारी नौकरी में, राजनीति क्षेत्र में, सब में सफलता मिलेगी। और आठवें बारहवें में दृष्टि पड़ रही है अगर, तो आठवां बारहवां भाव जो है आठवें में देखिए जो आपके रोड़े आते जीवन में उत्थान में, वो सब गायब हो जाएंगे। शुक्र सब रोड़ों को दूर कर देंगे, राहु भी सब, और आपकी इच्छाएं ऐसी होंगी बड़ी बड़ी, उन सबको पूरी कर देंगे। और बारहवें में दृष्टि पड़ेगी तो विदेश भाव से लाभ दिलाएंगे, विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा। तो धनु राशि के लिए मालव्य राजयोग बन रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। वैसे दृष्टियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर मालव्य राजयोग बनने से धनु राशि को ही बहुत लाभ मिल रहा है। तो अगली राशि जो कि विशेष लाभ पा रही है राहु और शुक्र के साथ साथ बैठने से मीन राशि में, वो है देखिए खुद मीन राशि। मीन राशि के लग्न में पहले भाव में राहु और शुक्र बैठे हुए हैं, और राहु और शुक्र पहले भाव में बैठ करके बड़ी बड़ी इच्छाएं सब पूरी कर रहे हैं। राहु की पहले भाव से राहु शुक्र की दृष्टि पंचम में पड़ रही है, सप्तम में पड़ रही है, नवे में पड़ रही है, पांचवें भाव में संतान को सुख, संतान से सुख, संतान को लाभ, और सप्तम में दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार में तरक्की, और नवे में जो है भाग्यवर्धन। भाग्यवर्धन होने से सारे काम हल हो जाएंगे, सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे, खुशियाँ मिल जाएंगी, धन धान्य मिल जाएगा, नौकरी में तरक्की हो जाएगी। तो भाई मित्रों मैं समझता हूँ कि मीन राशि के लिए भी जो है मालव्य राजयोग बन रहा है, क्यों पहले भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो चार राशियों के लिए मालव्य राजयोग बन रहा है। अब देखिए टोटल जो मैं बताऊँ, एक दो तीन चार पाँच छः राशियाँ हैं करीब जो कि शुक्र का मीन राशि में बैठने से राहु के पास 31 मार्च से 25 अप्रैल तक बहुत विशेष धन धान्य पा रही हैं, सुख पा रही हैं। कौन कौन सी राशियाँ हैं? वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। तो मित्रों ये जो है एक दो तीन चार पाँच छः राशियाँ हैं जो कि शुक्र की और राहु की कृपा पा रही हैं 2024 के मार्च अप्रैल के महीने में। मित्रों तो मैं यहाँ पे विराम लूँगा, पर आपसे विनती यही करता हूँ कि मेरी चैनल को जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में जो लिखना चाहें लिखें, कुछ नहीं लिखना चाहते तो माँ गणेशा नमः लिखेंगे, भगवान आशीर्वाद देंगे। मित्रों